एंड द रिकॉर्डिंग हैज बिगन. वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ दिस सीरीज. पिछली बार हम लोग स्पॉन हुए थे, मर करके फिर स्पॉन हुए थे, फिर स्टार्ट किए थे, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हुई थी. लास्ट बार थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ें चली गई थी, थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंसेस शेयर किया गया था. लेकिन इस बार का टारगेट होगा कि कुछ ना कुछ हम लोग अपना बेसिस बनाए. एक मिनट देखो हम लोग अपना ये रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है. सो या रिकॉर्डिंग इज ऑन एंड आई एम ऑल्सो ऑन. सो या लेट्स गो. और मेन बात ये है ना कि पिछली बार बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं हुई थी, पिछली बार एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए थे. आज चौथा दिन है रिकॉर्डिंग का. 17 तारीख से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी हमने और आज हो गया है 20 तारीख. मतलब आज आज आपका चौथा दिन है. ठीक है, चौथ लग गया. ठीक है, मेन बात ये भी है ना कि थोड़ा सा मतलब मूड ख़राब था. अब क्या बताया, थोड़ा सा हालात ख़राब था, सब दिमाग ख़राब था. अभी थोड़ा सा रिकवर किया, अभी थोड़ा सा हालात ठीक है और आशा है कि आगे चल के और भी रिकवर होगा, आगे चल के और भी मूड ठीक होगा. अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ से निकलना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा. हम लोग रिसोर्सेज लेकर आएंगे यहीं पर, अपना बेस वेस बनाएंगे. ठीक है, ये सीनरी भी ठीक है, ये सीनरी भी कुछ ख़राब वराब नहीं है. ठीक है, मतलब काम चलाओ, सीनरी तो है ही. इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट दैट बैड. और हम लोग का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 49-33. ठीक है, तो इस बार मतलब कि ओके, गेम स्टार्ट नहीं हुआ कि चोट लगना शुरू हो गया. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं. तो मूड थोड़ा बड़ा ख़राब था तो इसलिए मेरा को पता है उतना ज़्यादा मतलब ज्ञान की बातें नहीं हो पाई. बट आई थिंक आई एम रिकवरिंग. ओके, पता चलती का नाम जिंदगी है. ठीक है, तो चल रहे थे. अभी देखो ऊपर से कोई क्रीपर आएगा, मेरा हालत ख़राब कर देगा. ठीक है, तो यार चल रहे, चलती का नाम जिंदगी है, तो चलते रहो. मतलब पता है, मतलब क्या बताया, चल रहा है लाइफ जैसे. चोट लग रहा है. ठीक है, इनको देखो. तुम्हारा हम क्या तुमको हम बिगाड़ दिए थे यार, तुम जो मारे जा रहे हो हमको, पक्का मरेंगे. अरे लो. अच्छा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है वैसे? ये कोऑर्डिनेट है 32-15. एक्चुअली हमको देखना था ना कि हम यहाँ पे आ पाते कि नहीं आ पाते. तो या ये कौन है यार, कौन है यहाँ पे 32-15? तो यही है अपना रिस्पॉन लोकेशन. हमको अपना रिस्पॉन लोकेशन देखना था. जो रिस्पॉन लोकेशन देख लिया है, चलते अपने लकड़ी उकड़ी लेते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते. पता नहीं, पता है एक चीज़ ये इंप्रूवमेंट हुई कि जब से रेगुलरली अपलोड डेली अपलोड कर रहे हैं, डेली वीडियो डाल रहे हैं ना, तब से व्यू बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं. अच्छी बात है, बट लोग सब्सक्राइब थोड़ा ज़्यादा करें तो बेटर है. जब व्यू बढ़ गया तो उसी के प्रोपोर्शन में सब्सक्राइबर भी बढ़ना चाहिए. बट सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से हम चाह रहे थे. हालांकि ज़्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं होती है. काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर रुके हुए थे जब हम डेली वीडियो नहीं डाल रहे थे, और जब डेली वीडियो डालना शुरू कर रहे थे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग एंड इट विल टेक सम टाइम टू गेट अकस्टम टू दी यूट्यूब थिंग्स एंड ऑल दैट. सो इट्स काइंड ऑफ फाइन. ठीक है, अकस्टम मतलब होता है कि अभ्यासरत हो जाना. ठीक है, AECCUSTOMET. ठीक है, जब हम एडिट करेंगे तो ये लो हम आपको स्क्रीन के सामने फ्लैश कर देंगे अकस्टम का स्पेलिंग क्या होता है. अकस्टम मतलब होता है किसी भी चीज़ का अभ्यास होना. ठीक है, अच्छी बात है, कोबल्ट स्टोन यहाँ मिल ही गया. कितना बार तो डेथ हो चुका है पता नहीं हमको, उतना भी क्लियर नहीं. और पता है मेरे ख्याल से शायद हार्ड है यार. देखो हार्ड है, ठीक है, हार्ड होने के कारण पता है इसमें डैमेजेस ज़्यादा होते हैं. ओके, ये क्या है भाई, ये अच्छा. मेरे को पता है ऊपर वाला सीनरी बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, ये सब चीज़ें सीनरी बहुत अच्छी लगती है. तो अभी क्या, अभी मेरा मूड थोड़ा सा फिलहाल के लिए ठीक ठाक है. थोड़ा सा मतलब एक्चुअली में थोड़ा खांसी आ गया था. ठीक, हाँ, तो अभी के लिए मेरा मूड थोड़ा ठीक ठाक है. कुछ दिन से मतलब कुछ दिन तो बहुत ही मतलब रोएगा है. तो तकलीफ था कुछ दिन से. फॉर नाउ आई एम काइंड ऑफ फाइन एंड इट्स, अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे सब चीज़ें और भी नॉर्मल हो जाएंगी. अभी मेरा लगता है कि और हम चीज़ें नॉर्मल कर देंगे. सो यार इट्स समय समय की बात है भाई, कभी अच्छा लगता है कभी खराब लगता है. तो यार इट्स काइंड ऑफ ओके. ठीक है, ऐसा नहीं लगे लगना चाहिए कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब हो गया. ठीक है, आप चीज़ें नहीं इम्प्रूव कर सकती, ऐसा नहीं है. पता है दिन में मेरा पता है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाइम मेरा अगर जो है कोई तो ये है फिलहाल के लिए जब रिकॉर्ड कर रहे हो. देखिए रिकॉर्ड करने के कारण ना एक्चुअली आई कैन टॉक वॉट एवर आई फील लाइक. सो इट्स काइंड ऑफ नाइस टू फील दैट वे. 32-15 था हम लोग का, 15 था या फिर -15 था, दोनों के बीच में तुम्हारा अगर जो डिस्टेंसेस का ले लिया जाए कोऑर्डिनेट्स. आपको अब आपको बता दें कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर जो मतलब जो कि जनरली लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं. ये देखिएगा एक्स वाई जेड है. अब हम यहाँ पे कर्सर लेके जा नहीं सकते हैं. जब आपको टॉप लेफ्ट में देखिएगा तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है. तो कुल मिला के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने 3D
दुनिया में। हालांकि कई सारे डायमेंशंस और भी हैं, जैसे टाइम को भी लोग एक डायमेंशन मानते हैं। अगर जो आप आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही सिर्फ तीन ही डायमेंशन नहीं है, कई सारे डायमेंशंस पॉसिबल है। फिलहाल के लिए हम लोग 3D में ही एग्जिस्ट करते हैं, 2D में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 2D में दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस होते हैं, वाई एक्सेस होते हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सेस को हम लोग एप्सिसा भी कहते हैं, वाई एक्सेस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो किसी भी चीज़ को स्पेस में पिन पॉइंट करना है, लोकेट करना है, तो उसके मतलब तीन आपको लोकेशन के लिए आपको तीन पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 3D स्पेस का बता रहे हैं, जब 2D स्पेस रहेगा तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये गेम का आपका 3D है, तो 3D में आपको तीनों एक्सेस बताना पड़ेगा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ठीक है। तो जैसे लोग बोलते भी है कि जैसे एलियंस है, तो एलियंस आपका हो सकता है कि एक्स्ट्रा डिमेंशनल बींग्स है। हमको समझ में नहीं आता कि लोग मतलब कि 5th dimension या 6th dimension में कैसे जा पाते हैं, ठीक है। वो मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सोचो ना कि आपको एलियंस अभी देख रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हो आपको एलियंस अभी देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपकी वो नहीं है, क्या कहते हैं, आपकी वो नहीं है, आपकी वो एक्सिस नहीं है। आप मतलब आप उस डिमेंशन में नहीं एग्जिस्ट करते हो जिस डिमेंशन में एलियंस है। पता है एक चीज़, एक अगर जो आप देखोगे ना एक्सिस के बारे में, तो स्पेस टाइम के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड ऑल दैट, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं साइंस की। इसलिए तो हमने सीरीज चालू करी, क्योंकि मेरे पास नॉलेज बहुत है शेयर करने के लिए। साइंस मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो या एक एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक इट, एंड चलती का नाम जिंदगी है। सो इट्स आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फाइन, इट्स काइंड ऑफ ओके एंड ऑल दैट। सो एक्चुअली मेरे को अभी फिलहाल के लिए आयरन चाहिए, ठीक है। आयरन लेते हैं और हम तो केविंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा स्ट्रिप माइनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। आई डोंट लाइक टू स्ट्रिप माइन एंड ऑल दैट। ये कौन है यार, कौन है, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सिस के बारे में, ठीक है। और देखना, अगर जो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होनी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपके लिए मतलब पास करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ये समझ में आना चाहिए ना कि जैसे कि हम लोग ना कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर जो हम लोग पढ़ाई हुई चल रही होती है जनरली, ठीक है, कि होती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, तो हम लोग कार्टीशियन कोऑर्डिनेट में जब हम लोग कर रहे होते हैं तो पिन पॉइंट, तो हम लोग के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस बताता है कि ओरिजिन से आपका एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है, और वाई एक्सिस बताता है कि ओरिजिन से आपका वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ओरिजिन 0.0 होता है, ठीक है। यही ओरिजिन अगर जो तीन एक्सिस बन जाते हैं ना, तो 0.0.0 हो जाता है, ठीक। यार ये लोग कितना हल्ला मचा रहा है, पता नहीं मेरे को। और ये बात भी है कि अगर जो आपको ना देखो, तीन एक्सिस हो गए एक्स वाई जेड एक्सिस, लेकिन अगर जो टाइम के बारे में बात किया जाए ना, तो लोग टाइम को भी एक एक्सिस मानते हैं, ठीक है। आप सोचो ना, आप देखो, जैसे आपको लोकेट करना है, जरा थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, साइंस की चीज़ है तो थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो आप अपने घर पे हो, फिलहाल के लिए आप अपने घर के ड्राइंग रूम में हो, ठीक है। तो किसी को आपको लोकेट करना है, किसी को आपको फाइंड करना है, तो आप उसको बताओगे ना, भैया हम अपने घर के हम अपने घर के मेन गेट से एक्स कोऑर्डिनेट पे है इतना, वाई कोऑर्डिनेट पे है इतना, जेड कोऑर्डिनेट पे है इतना, ठीक है। लेकिन अगर जो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है, तो अगर हमको तुमको उसका टाइम कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ता कि हम फिलहाल के लिए प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में भी है, कि हम लोग AD में है, BC में है। BC मतलब पता समझ में आता है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब आज के काफ़ी समय पहले जब क्राइस्ट ने जन्म लिया था तब हम लोग उसको मान लिए थे, तब हम लोगों का BC से AD में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। मतलब BC से AD, उस समय टाइम उल्टा चल रहा था, इसलिए जब देखोगे तो आप बोलोगे कि 543 BC जो समय है वो समय तुम्हारा जल्दी है एज कम्पेयर टू 555 BC का, ठीक है। 543 BC आपका जो समय है वो आपका ज़्यादा जल्दी है एज कम्पेयर टू 555 BC, क्योंकि हम लोगों का समय उस समय उल्टा चल रहा था। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से एनो डोमिनी हुई, जिसको हम लोग AD कहते हैं। अगर इतिहास आप पढ़ोगे तो हम लोग AD में जी रहे हो, तो फिलहाल के लिए हम लोग AD में जी रहे हैं, लेकिन इसके पहले का जो टाइम था वो BC में था, तो BC से AD में कन्वर्ट हुआ। तो पता है, अगर जो टाइम ट्रेवल हम लोग कर रहे होते ना, टाइम ट्रेवल कर रहे होते, तो हम लोगों को ये सब भी बताना पड़ता है कि हम प्रेजेंट में हैं कि पास्ट में हैं कि फ्यूचर में हैं, वो सब चीज़ें भी बतानी पड़ती फिलहाल के लिए। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना के लिए जानो कि हम लोग पास तीन कोऑर्डिनेट है, जब आगे
चल के आप साइंस पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। साइंस के हिसाब से पता है टाइम ट्रेवल फ्यूचर में तो पॉसिबल है। जब आप ब्लैक होल के पास जाते हो तो आपका ना, ब्लैक होल के बारे में बहुत डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। हम इतना डिस्कशन करने वाले कि अभी हम थोड़ा मोड़ा ही फिलहाल के लिए करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा चीज़ का मज़ा लिया जाता है, अचानक से इतना सारा मज़ा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ब्लैक होल के पास अगर जब आप जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, टाइम स्लोली स्लोली पास होने लगता है, ठीक है। टाइम स्लोली पास होने लगता है तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक होल से बहुत दूर है उनके लिए टाइम जल्दी जल्दी पास हो रहा है। तो अगर जब आप वहाँ पर एक, हो सकता है ऐसा हो, ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है लेकिन इसी थीम में होता है कि अगर जब आप वहाँ पर एक घंटा बिता रहे हो तो हो सकता है यहाँ का 10 साल बराबर हो, वहाँ का एक घंटा यहाँ का 10 साल बराबर हो। अगर जब आपने वो मूवी देखी होगी, क्या कहते हैं, इंटरस्टेलर, तो आपको आइडिया होगा कि ब्लैक होल में मतलब, तो इसे पता है, इसी कारण एक मीम भी बना है कि दिस लिटिल मैनूवर हैज विल कॉस्ट हैज 20 ईयर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो हाँ, ब्लैक होल, अरे मैं देखो मैं खाना नहीं पकाया, ठीक। तो ब्लैक होल यार, ब्लैक होल के पास जाने से टाइम ट्रेवल इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ब्लैक होल टाइम को स्लो कर देता है। तुम्हारे लिए जो तुमसे दूर है उनके लिए तो फास्ट होगा ही, ठीक है। तो ब्लैक होल के पास जाओ अगर जो टाइम ट्रेवल पॉसिबल, टाइम ट्रेवल करना है तो। ब्लैक होल अभी हम लोग फिलहाल के लिए देखे हैं, रिसेंटली किसी ने ब्लैक होल का पिक्चर लिया था, विच वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। एक दुख की बात है कि अपने माननीय मिस्टर स्टीफन हॉकिंग जी मर गए बिना ब्लैक होल को देखे हुए, ठीक है, अपना खोज को फाइंड किया। सोचो ना, मैथ और साइंस में इतना पावर है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी समय पहले दी थी, मेरे को इतना क्लियर याद नहीं, हम यहाँ स्क्रीन पे लगा देंगे। तो उस साल के जो आदमी घर में बैठा हुआ अपने कमरे में बैठा हुआ, वो आदमी मीलों करोड़ों अरबों खरबों दूर कहीं कोई फिजिकल फिनोमेना है जिसको इंसानियत कभी ढूंढ नहीं पाई, जिसका फोटो नहीं ले पाई, उसको आइंस्टाइन ने ढूंढ लिया था, खोज निकाला था। सोचो कागज़ और कलम में कितना ताकत है, नॉलेज में कितना ताकत है कि जो चीज़ों को इंसान ने कभी देखा नहीं, जो चीज़ों की इंसानियत ने कभी उसको ढूंढा नहीं, उसको ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली उसको डिस्कवर कर लिया और उसको उसकी खोज करके इंसानियत को बताया। सोचो कितना कमाल की चीज़ है कि आप एक कमरे में जाते हो, दूसरे कमरे में क्या है नहीं पता, लेकिन पहले कमरे में बैठ करके आप गुणा भाग करके कैसे कैसे चीज़ें बंद निकाल लेते हो कि दूसरे कमरे में क्या क्या हो रही होंगी। सोचो कितना मतलब शक्तिशाली चीज़ है साइंस का। साइंस इज वन ऑफ द मतलब मैजिकल चीज़ है, लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स कह सकते हो आप, ठीक है, इसको साइंस को। तो इसलिए हम बोलते हैं, मतलब यही मेरा मतलब वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी था कि मतलब गेम खेले में तो ऑब्वियसली मज़ा आता ही है। मज़ा क्या है, बार बार मर रहे हैं, बार बार रिस्पॉन कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ नहीं है बार बार मरना। लेकिन साइंस की कितनी पावरफुल चीज़ है कि आप कई सारी चीज़ें ऐसे ढूंढ सकते हो जो आपने कभी देखा ही नहीं है, और अपने अपने बंद कमरे में बैठ करके आप गुणा भाग करके कर सकते हो। कितना पावरफुल चीज़ है ये। सो या दैट्स वाई हम बोलते हैं कि लोग, आप साइंस का कदर करो, साइंस ही आपको बचाया। जब कोरोना हुआ था तो वैक्सीन की खोज किसने करी थी? एक्चुअली पता है, साइंस हम लोगों का साइलेंट गार्जियन है, ठीक है। साइंस हम लोगों को बताता है कि बेटा ऐसे जियोगे तो ऐसे ज़्यादा दिन रहोगे, तुमको ये बीमारी है तो इसका इलाज ऐसे करना है, इसका इलाज वैसे करना है। तो या यू शुड अप्रिसिएट साइंस, साइंस का कदर करो, साइंस पढ़ो, साइंस समझो, और साइंस ही तुम्हारा मतलब एक तरीके से उद्धार करेगा, तुम्हारा जान बचाएगा। कई सारे चीज़ें अभी हम जो कर रहे हैं ये भी साइंस की बदौलत पॉसिबल है, ठीक है। अभी अगर जो साइंस नहीं रहता, कंप्यूटर साइंस नहीं रहता, इलेक्ट्रिकल साइंस नहीं रहता, तो अभी मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंसानियत अगर जो बची भी हुई है तो मेरे ख्याल से साइंस की है, और साइंस में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजिकल साइंस, जियोग्राफी सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो या ऐसा कदर करो साइंस का। तो आइंस्टाइन वन ऑफ द मोस्ट जीनियस है। अपने इस आने वाले सीरीज में हम आइंस्टाइन के बारे में बहुत बातें करेंगे, ब्लैक होल के बारे में बात करेंगे, टाइम ट्रेवल के बारे में बातें करेंगे, ठीक है, और इंटर डिमेंशनल बींग्स के बारे में बातें करेंगे, रोग प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जियोलॉजी, जियोग्राफी, साइंस, जियो पोलिटिकल साइंस भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, सोया बने रहिएगा। और हाँ, लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, विच इज काइंड ऑफ कंसर्न फॉर मी। अगर जो आप देख रहे हो तो एटलीस्ट मतलब, अगर जो आप मेरे वीडियो इतना देर तक देखे, इट मीन्स यू लाइक इट, सो काइंड ऑफ मतलब सब्सक्राइब कीजिए सर। ये देखो तुमको कोई बुलाया है आने के लिए, क्या हुआ?
आ जाते हैं जहाँ तहाँ से। हाँ तो मतलब सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब का बटन है, चाहे आपको कोई कीमत नहीं लगती है, पैसे नहीं देने पड़ते सब्सक्राइब करने के लिए। सो यार प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को भी और भी बेटर कंटेंट लाए। पता है इनिशियली यही होता भी है कि कंटेंट उतना अच्छा मतलब कि आदमी बनाए और भी आदमी जान लगा दे, लेकिन थोड़ा सा मतलब अप्रिसिएशन मिले तो और भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अप्रिसिएशन देर से मिले तो फिर आदमी देर से करे। बट इट्स आई काइंड ऑफ फाइंड इट मोर मोटिवेटिंग इफ पीपल ए सब्सक्राइब टू मी। सो या प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आगे चल के भी और भी कई सारे चाहिए वीडियोज लाते रहेंगे। चलो अभी मेरा सोने का टाइम हो गया, नहीं तो फिर ये सब इनका खानदान निकल आएगा मास्टर्स का। मेरा टारगेट पता है क्या, क्योंकि थोड़ा बहुत आयरन और लेना है, फार्म साउंड्स बनाने हैं, बहुत टाइम हो गया। पता है इससे पहले जो हमने खेला था ना, इससे पहले जो हम खेले थे वो हम खेले थे उसमें क्या कहते हैं माइनक्राफ्ट का वो था, क्या कहते हैं बेडरॉक वर्जन था, ठीक है। हमने पता है एक बार ना पॉकेट जो वर्जन है माइनक्राफ्ट जो पॉकेट वर्जन है, हमने उसको खेले, एक भी बार डेथ नहीं हुआ था मेरा। हम इंडर ड्रैगन को हरा दिए थे, हम इतना केयरफुली खेले थे कि मेरा एक बार भी डेथ नहीं हुआ था। हमने इंडर ड्रैगन को हराया था जब हम आज के कई साल पहले जब हम पॉकेट वर्जन खेलते थे, ठीक है। अब मतलब पहली बार हमने उसको हराया था विदाउट एनी डेथ का। पर पता है क्या हुआ है, अपने साथ डेथ होने का कोई ऐसा ये नहीं है मतलब कि रिक्वायरमेंट कि आप अरे काहे डांस कर रहे हो, ठीक है। तो हम बोले थे अपने यहाँ कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि आप ये करोगे तभी आपका डेथ होगा। डेथ आपका कभी भी कोई छोटा सा छोटा मोटा गलती से भी होता था। पिछले सीरीज में हम लोग ऐसे ही मरे थे ना, पिछले सीरीज में क्या होता है, हमने बूट यूज़ किया था, पता नहीं कैसे यार स्नो पे गिर के यार मतलब मेरा फॉल डैमेज ख़त्म नहीं हुआ, आई डोंट नो, इट वॉज काइंड ऑफ लाइक चिंताजनक चीज़ें थी। थोड़ा सा मेरा सामान लूज हो गया, मेरे पास फुल आयरन आर्मर था और वो सब चीज़ें थी, तो दुख की बात है। बट कोई बात नहीं, फिर से रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अभी हम लोग अभी आगे चल के कई सारे फार्म्स बनाएंगे, कई सारे बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब करने के लिए। तो इनफैक्ट पता है ये गेम हमने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि इसमें फ्रीडम है। आपको मन करना है आपको कंस्ट्रक्शन करना है आप कंस्ट्रक्शन करो, आपको मन कर रहा है तो आपको मन कर रहा है कि अगर जो आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, अगर जो आपको मन कर रहा है फाइट वेट करने के लिए तो आप अपना फाइट वेट करो, जैसे ड्रीम है, ड्रीम भैया जी हैं अपने। आपको मन कर रहा है कि कुछ मतलब कुछ स्टोरी मोड बनाओ या फिर रोल प्ले बनाओ, एसएमपी बनाओ, वो भी बनाओ, जो मन है सो बनाओ, ठीक है। यहाँ पर कमी नहीं है भैया फ्रीडम की, यहाँ पर फ्रीडम की कोई भी कमी नहीं है। सो या डू व्हाट एवर यू लाइक टू डू, ठीक है, देर इज नो कमी ऑफ दैट। सो ये फ्रीडम मेरे को अच्छा लगता है। पूरा वर्ल्ड को हम ऑल्टर कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड को हम चेंज कर सकते हैं एज पर माई वेस, एज पर माई इच्छा, माई एम्बिशन। सो या इट्स काइंड ऑफ लाइक फ्रीडम है और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सो आई लाइक इट, इट्स काइंड ऑफ फाइन एंड नाइस। एंड ये पता मतलब एक समझो कि एक नया देखो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ठीक। ओए देखो ये बरसात में नहीं है, यहाँ नहीं आना, मेरे को आयरन चाहिए था यार। आयरन कहाँ मिलेगा, देखो दो, देखो दो, कहाँ भटक रहे हैं, यदा कदा भटक ही जा रहे हैं, ठीक। हम लोग खाना है हम लोग पास, चलते भी अंडरग्राउंड चलते, कुछ आयरन वायरन लेकर के आते हैं। हम जनरली केविंग करते नहीं है, जनरली केविंग करना मेरा आदतों में से एक नहीं है। हम केविंग मतलब ये भी आ ही रहे हैं जनरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है स्ट्रीम माइनिंग करना। स्ट्रीप माइनिंग मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे ऐसे खुदाई वुदाई करना, मेरे को पता है कि मन करता है कि ऐसे जाए अपना केव्स उसमें है जो भी हो इसको अपना करते जाए। तो हाँ अपना मतलब अपना नॉलेज वॉलेज अपना शेयर करते रहो और अपना आगे बढ़ते रहो, चीज़ें ऐसे आगे बढ़ेंगी। और या चलो हम लोग पहले अपना एक बोट बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सामान वामान लाएंगे, ठीक है। एक और बना ही लेते हैं क्योंकि अगर जो फिर ख़त्म हो जाएगा बीच लड़ाई में ना, अगर जब हम लोग का एक्ट तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो ये ले लो, ठीक। चलते फिर देखते हैं विलेज विलेज मिलेगा, मेरे ख्याल से विलेज विलेज मिलेगा, आसपास ही होगा विलेज। जनरली पता है विलेज स्पॉन होने के बाद से ना जनरली विलेज आसपास ही रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दूर रहता है। और एक मिनट गया, हम जब से इसको हार्ड किया ना तब से इसमें डेथ का और भी चांसेस बढ़ गया, ठीक। ओके ये पता है ये ग्रेवल है ना, ग्रेवल झमेला करता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज हो गई। अरे यार कितना डेथ हो रहा है यार, कितना डेथ हो रहा है यार
37 कमा -12 फिर वही आ गए खाकर ठुकर जमाने में, खाकर ठुकर जमाने में लौट आए हम मैखाने में। फिर से यार, फिर से वही आ गए वापस। चलो कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हार मान जाएगा तो फिर छोड़ देंगे। मे भी पता है, मेरे ख्याल से ना ये पता नहीं वर्ल्ड ही पता है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड ही अब सगुन वाला है, ठीक है, दूसरा वर्ल्ड बना दे क्यों। हाँ चलो मेरा ख्याल दूसरा वर्ल्ड बनाते हैं, हो सकता है इसे बेटर रिस्पॉन्ड मिले, आई डोंट नो। हालांकि रिस्पॉन्ड भी ठीक है, इट्स नॉट ए बैड, इट्स इसको डिलीट नहीं करेगा, अगला वाला स्पॉन कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना, अगला वाला स्पॉन कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम लोग इसको फिर से रोल बैक कर देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग फिर से बढ़ाते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको यार, फिर एक से एक नया वर्ल्ड बनाता हूँ, ठीक है। डिफिकल्टी नॉर्मल नहीं, हार्ड करते हैं, ठीक है, और मूल वर्ल्ड ऑप्शन में सो लार्ज में एम्पलीफाइड करते हैं, ठीक होता है यार, डन हो गया। और गेम रूल्स, गेम रूल में एलेट्रा मूवमेंट फैलाना दिखाना, कीप इन्वेंट्री आफ्टर डेथ है, नहीं नहीं, जो चीटिंग हो जाएगा ना मरने के बाद से जो सामान गिरा गया, नहीं तो फिर एक ये तो चीटिंग हो जाएगा ना, तो ये नहीं करेंगे। डिसेबल रेट्स, रेट नहीं करेंगे, एंटिटी क्रैप, यूनिवर्सल एंगर, हाँ ये हार्ड बनाता है, एंगर नेचुरल, पता है इसमें क्या होता है कि अगर जो दुश्मन ने आपको मार दिया है, मान लो आपने किसी को एंगर कर दिया, ठीक है, जैसे जम्बी पिगलिन को आपने एंगर कर दिया, ठीक है, तो उसने आपको मार दिया, तो मार दिया है तो उसके बाद से अगर जो आप डेथ होकर के फिर से उसके पास जाओगे तो आप पे अटैक नहीं करता जनरली, लेकिन अगर जो आप वाले सेटिंग को ऑन कर दिए होते तो आप पे वो फिर से अटैक करने लगता। तो आई थिंक कि उसको ऑन कर सकते थे, बट यार ये स्पॉन मेरे को बहुत नफरत है, हमको ये पता है इस बायोम से, ये जो फ्रोजन बायोम है ना, हमको इस बायोम से बहुत नफरत है, रियली हेट, ये बहुत बेकार स्पॉन है, हटाओ हम नहीं करेंगे, हटाओ, बेकार है यार वाला स्पॉन, वाले स्पॉन में कौन खेलेगा यार, एकदम वाहियात स्पॉन है। इसको बताया जाए, इसको फिर से करते हैं और क्या। खांसी मेरी अभी तक गई नहीं है, तबीयत खराब है थोड़ी, मन भी थोड़ा सा विचलित है, थोड़ा सा अंदर में वो भी दिक्कत है, ऐसे भी दिक्कत है, बट कोई बात नहीं है, ऐसा मेरे लिए पहली बार नहीं है। एक शेर याद आ गया, इसे पे कहते हैं, लगता है जिंदगी आजकल कुछ खफा है, लगता है जिंदगी आजकल कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सा पहली दफ़ा है। चलिए छोड़िए कौन सा पहली दफ़ा है, तो इट्स नॉट लाइक कि पहली बार ऐसा हो रहा है, दिमाग ख़राब है, शरीर ख़राब है, फलाना दिखाना, प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेंगे, लेकिन चलते का नाम जिंदगी है, तो चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये स्पॉन मेरे ख्याल से ठीक है, ये पता नहीं पानी में दे दिया है, ठीक है, तो सही है मेरे ख्याल से स्पॉन। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है भैया, बार बार देखो F2 दबा दे रहे हैं, 12.0, ठीक, 0.0 पे होता है क्यों एक्सेल जनरली, क्यों, चलो ठीक है। ओके, तो हाँ हम क्या बोल रहे थे कि जो हाँ शेर, शेर का जो बात है, शेर मेरे को पसंद होती है, थोड़ी बड़ी शायरियाँ पसंद होती है, अधिकतर शायरियाँ जो हम बोलते हो हमारे नहीं हैं, लेकिन चूँकि शायरियाँ इतनी अच्छी है ना तो मेरे को याद हो जाती है। तो दोस्तों साथ में बने रहो और भी शायरियाँ पढ़ते रहेंगे। चलो दोस्ती में ही एक मेरे को शेर याद आया, ठीक है, दोस्ती में एक शेर याद आया था, हमने कहीं TV सुना था, फिर कहीं देखा था। देखो जैसे कि पता है कि हम लोग जो आए हैं हम लोग मरेंगे तो ये ठीक है, जो आया है वो जाएगा ही, तो दोस्ती के पे एक शायरी है, ठीक है, वो मौत भी बड़ी सुहानी होगी। वो मौत भी बड़ी सुहानी होगी जो हमारी दोस्ती में आनी होगी, वो मौत भी बड़ी सुहानी होगी जो हमारी दोस्ती में आनी होगी, वादा है आपसे पहले हम जाएंगे, वादा है आपसे पहले हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ जन्नत भी तो सजानी होगी, क्योंकि वहाँ जन्नत भी तो सजानी होगी। तो यार मेरे को शायरियाँ पसंद है, मेरे को बहुत मतलब शायरी पता है यार, पूरा जज्बात चंद शब्दों में कह देता है, सो आई काइंड ऑफ लाइक इट, आई काइंड ऑफ लाइक द शायरी थिंग्स एंड ऑल दैट। सो अरे यार पेड़ गिर जाए कुछ प्लांटेशन के लिए, ये क्या देख रहे, उड़ता हुआ लग रहा है कि वो एलियन का वो है, क्या कहते हैं एलियन का स्पेसशिप है, देखो उधर क्या है उड़ता हुआ दिख रहा है। ओके, तो शायरी जो है अपने को पसंद है, मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, शायरियाँ है, नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें शेयर की, दैट्स वाई काइंड ऑफ लाइक इट, ये समय मेरा दिन का सबसे फेवरेट चीज़ें होता है, बिकॉज आई हैव सम थिंग्स, आई हैव सम पीपल टू शेयर माई नॉलेज विथ, सो आई काइंड ऑफ लाइक इट। देखो पेड़ मिल गया हम लोग को।
मेरे ख्याल से हम लोग को टूल्स वूल्स बना लेना चाहिए, क्यों टूल्स बना लेते हैं फिर चलते हैं। इतना लकड़ियाँ काफ़ी है, आई थिंक काम चलाओ भर के लिए इतना लकड़ियाँ काफ़ी है। बाकी हम लोग का खाना वाना तो नहीं लिया है अभी, खाना वाना बाद में लेंगे। वो देखो यार जॉम्बी के पास गोल्डन कपड़ा है, ये देखो हमारे पास कोई कपड़ा ही नहीं है। देखो कहाँ गया यार, ये देखो कुछ कपड़ा ही नहीं है। उनके पास देखो मुर्दे मुर्दे के पास गोल्डन आर्मर है, घोड़ों को मिल नहीं रही घास और कदे का चौनपरास। तो अजीब अजीब शायरी भी हमको आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत ही स्टैंडर्ड शायरी आती है, बहुत सारी शायरी आती है। जैसे कि मान लो कि आपको कुछ अच्छे अच्छे नहीं मिल रहा है, अब तो बेकार 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 लोगों को मिल जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि घोड़ों को मिल नहीं रही घास और गधे खाए च्यवनप्राश। ठीक है, तो बहुत सारी शायरियाँ आती है और चलते चला जाएगा, चलती का नाम जिंदगी। अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम नहीं हुआ चैनल स्टार्ट किए हुए, तो मतलब ये वाला चैनल स्टार्ट किए बहुत टाइम नहीं हुआ, और इससे पहले वाला जो चैनल तो हमने स्टार्ट करी थी, तो उसमें क्या था, उसमें हमने क्या किया था ना, हमने उसमें सिर्फ शॉर्ट्स डाले थे। और शॉर्ट्स यार पता है मेरे को शॉर्ट्स से थोड़ा मोड़ा नफरत हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स से। यूट्यूब शॉर्ट्स में तो मेहनत लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यू बढ़ता है, लेकिन चैनल बता असली में वो नहीं होता है, चैनल का असली में ना ग्रोथ नहीं होता। रियल ग्रोथ जो होता है, रियल कम्युनिटी जो बनती है ना, वो मेरे ख्याल से ना शॉर्ट से ना बन करके इससे बनती है, क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का। इसलिए मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के बारे में सोचा है, ठीक है। सो आई थिंक कि फ़िलहाल के लिए हम लोग का हाफ एन आवर मार्क पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश किया जाएगा कि कुछ बेटर रिसोर्सेस लेकर के, कम से कम अभी तो बेस बनाना शुरू करो यार, इतने सारे बेसेस हो गए, इतना सारा मतलब गेम, इतना सारा बार हम लोगों ने गेम रिस्टार्ट किया है, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे कहीं, मतलब कुछ ऐसे लग रहा है लावारिस की तरह, एकदम आवारा की तरह इधर उधर कहीं टहल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोशिश किया जाएगा कि चीज़ें मतलब कि बेटर हो, चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हो। सो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जो आपका मन है तो, हाँ आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर जो आपको मन नहीं है तो, बट अगर जो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।